हे फूडीज, वेलकम टू कुकिंग विद लव। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तंदूरी चाय। बिल्कुल गर्मा गर्म बर्तन के अंदर चाय डालने से इसका जो तंदूरी फ्लेवर यानी कि स्मोकी फ्लेवर चाय के अंदर आ जाएगा। सर्दियों में तंदूरी चाय के साथ गांठिया और मेथी से बनी हुई बाजरे की रोटी मिल जाए तो इसकी कुछ बात ही अलग है। मार्केट में बड़े बड़े तंदूर के अंदर मिट्टी के बर्तन में चाय परोसी जाती है, पर इसको हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 3 कप चाय बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप दूध और 1 कप पानी लिया है। सबसे पहले हम एक पतीले में पानी लेंगे 1 कप, इसको अच्छे से उबलने देंगे। उबलने के बाद हमें यहाँ पे 4 से 5 लौंग और यहाँ पे दालचीनी का पाउडर डाला है। साथ में जाएगा 1 चम्मच के करीब कद्दूकस किया हुआ अदरक। यहाँ पे मैं फ्रेश पुदीना यूज कर रही हूँ। यहाँ पे हमें बेसिक चाय बनानी है जो सभी के घर में बनती है, तो यहाँ पे मैंने फ्रेश पुदीना ले लिया है और इसके अंदर 1 चम्मच के करीब फ्रेश पुदीना और 2 से 3 चम्मच के करीब तुलसी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 बड़े चम्मच के करीब चाय पत्ती लिया है और इसके साथ मैं 5 से 6 छोटी चम्मच के करीब चीनी डाल रही हूँ। यहाँ पे हमें 3 कप चाय बनानी है। एक बार अच्छे से उबल आ जाए बाद में हमें यहाँ पे 2 कप दूध डाल देना है। दूध डालने के बाद हमें यहाँ पे लो से मीडियम फ्लेम पे इसको उबालने देना होगा। आप देख सकते हो कि थोड़ी देर में उबाल आ जाएगा। बाद में हमें फिर से इसको मिला के 2 से 3 उबाल लाना है। 2 से 3 उबाल आने के बाद यहाँ पे हम गैस को बंद कर लेंगे और यहाँ पे मैंने मिट्टी का एक कुल्लड़ लिया है, यानी कि मिट्टी का कोई भी बर्तन। इसको हमें लो फ्लेम पे आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरह से घुमाते हुए गर्म करना है। मिट्टी का बर्तन पूरा अंदर तक गर्म होना चाहिए, इसीलिए हम इसके ऊपर उल्टा कर देते हैं। इसको 2 से 3 मिनट के लिए गरम कर लेना होगा। अभी ये गरम हो चुका है, इसको एक बाउल में लेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे गर्मा गर्म चाय। गर्मा गर्म मिट्टी के बर्तन के अंदर चाय डालने से इसका जो तंदूरी फ्लेवर है, जो स्मोकी फ्लेवर, वो चाय के अंदर आ जाएगा। और आप देख सकते हो कि बिल्कुल झाग वाली चाय बनी है जो कि नॉर्मली नहीं बनती है। 5 से 10 सेकंड के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 सेकंड के बाद इसको हम बाउल में वापस निकाल लेंगे और यहाँ पे मैं सर्विंग प्लेटफॉर्म पे ले जा रही हूँ। तो है ना बिल्कुल इजी। सर्दियों में गर्मा गर्म तंदूरी चाय के साथ गांठिया और मेथी से बनी हुई हरी भरी बाजरे की रोटी मिल जाए तो इसकी कुछ बात ही अलग है। मार्केट में बड़े बड़े तंदूरों के अंदर मिट्टी के बर्तन में चाय मिलती है, तो इसको हम बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो सर्दियों में एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए, बहुत मजा आएगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी नई रेसिपी के साथ।